बीएसपी 5 सीटों पर लीड करते हुए और कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर। जाहिर तौर पर बीएसपी और कांग्रेस और बीएसपी को लेकर बहुत सारे सवाल पूछे गए थे कि बहन जी उस तरह से एक्टिव क्यों नहीं। और इसी बीच बड़ी खबर जो आ रही है वो हम आपको बता दें, नतीजों के बाद बीजेपी मुख्यालय जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। आपको याद होगा बीजेपी मुख्यालय जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी, और आज भी जो खबर आ रही है वो नतीजों के बाद बीजेपी हेडक्वार्टर्स जा सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी। जाहिर तौर पर बीजेपी के खेमे में इन ट्रेंड्स की अगर बात की जाए, और ये ट्रेंड्स अगर होल्ड करते हैं तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री बीजेपी के लिहाज से, चाहे वो उत्तर प्रदेश में सत्ता में दोबारा वापसी करना हो, योगी आदित्यनाथ का कमबैक करना हो। क्योंकि बीजेपी के जब माय समीकरण की एक तरफ समाजवादी पार्टी के माय समीकरण की बात की गई जो कि मुस्लिम यादव था, वहीं जब बीजेपी के माय समीकरण की बात की गई तो वो मोदी और योगी था। तो बीजेपी का माय समीकरण कम से कम इन ट्रेंड्स की बात करें तो वो माय समीकरण माय इक्वेशन वर्क करती दिखाई दे रही है, क्योंकि 339 सीटों में से 230 सीटों पर बीजेपी और उसके अलायंस लीड करते हुए, समाजवादी पार्टी अलायंस 100 सीटों पर लीड करते हुए, और ये गैप लगातार वाइडन होता हुआ बड़ा होता हुआ, और इस गैप पर और जो हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं कि F1 सर्किट पर योगी आदित्यनाथ की जो F1 कार है वो तेजी से दौड़ रही है, किसी तरह का पिट स्टॉप नहीं ले रहे। फॉर्मूला 1 में अक्सर ड्राइवर्स को इजाजत दी जाती है कि वो पिट स्टॉप ले लें, रिफ्यूल कर लें, री एनर्जाइज कर लें, लेकिन योगी आदित्यनाथ का पांव ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एक्सेलरेटर दबाया हुआ है और वो लगातार आगे बढ़ रहा है गैप को बढ़ाते हुए। और इसीलिए आप अपनी स्क्रीन पर जो आंकड़ा देख रहे हैं वो स्पष्ट करने के लिए काफी है कि बीजेपी क्या 2017 की अपनी परफॉर्मेंस मैच कर सकती है। 339 सीटों के ट्रेंड्स हम आपको दिखा रहे हैं, 403 में से 239 सीटों के ट्रेंड्स बार-बार दोहराते हुए, ये ट्रेंड्स हैं, ये फाइनल रिजल्ट्स नहीं है। फाइनल रिजल्ट्स के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा राजीव। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में जैसे कि आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने एक्सेलेटर पर पांव रख दिया है, समाजवादी पार्टी 100 पर अभी सिमटी हुई नजर आ रही है, लेकिन 339 सीटों का ही रुझान है अभी तो, 403 टोटल सीटें हैं, बाकी सीटों का रुझान आना बाकी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 230 पर है, पंजाब में 117 सीटों के रुझान में 80 का मार्ग भी क्रॉस कर लिया, 83 पर इस वक्त आम आदमी पार्टी है, 15 पर आ गई है। गोवा की अगर बात करें तो बीजेपी है, कांग्रेस यहां 16 पर, यहां पर भी इंटरेस्टिंग फाइट चल रही है, लेकिन रायबरेली में बीजेपी की अदिति सिंह इस वक्त आगे चल रहे और अंतर फासला 4000 वोटों का है, 4000 वोटों से अदिति सिंह इस वक्त आगे चल रहे हैं रायबरेली से। बड़ी खबरें आपको लगातार देने की, एक अपडेट लगातार मिला, 4000 वोटों का फासला है अदिति सिंह और दूसरे कैंडिडेट के बीच का, लगातार ऐसी खबरें आ रही है। 230 टोटल इस वक्त बीजेपी के साथ रुझानों में नजर आ रहे हैं अंक, समाजवादी पार्टी के साथ 100 है, लेकिन अदिति सिंह 4000 वोटों के साथ इस वक्त आगे। तो अदिति सिंह आगे है रायबरेली से। आपको याद होगा बहुत खटास उनकी देखने को मिली जब वो पॉलिटिकल लीडरशिप जो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप थी उस पर भड़की, अपनी भड़ास उन्होंने निकाली, कहा गांधी फैमिली सुनवाई नहीं करती, प्रियंका गांधी वाड्रा को सीधे तौर पर उन्होंने घेरा था। वो आगे चल रही है, भगवंत मान आगे चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट है वो अदिति सिंह, 4000 वोटों से आगे चल रही है। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, अखिलेश यादव करहल से आगे चल रहे हैं, और साथ ही हम आपको ये भी बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ भी अपनी सीट से लगातार आगे चल रहे हैं। बीजेपी की परफॉर्मेंस इस वक्त 4 सिटिंग सीएम में से बात की जाए उत्तर प्रदेश में, माफ कीजिएगा इसमें दिस नीड्स करेक्शन। बिल्कुल, इतनी बड़ी खबर यह है कि जो सिटिंग मुख्यमंत्री है उनमें सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे हैं जो अपनी सीट पर लड़ रहे हैं और आगे भी हैं। 4 सिटिंग मुख्यमंत्रियों में सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे जो आगे चल रहे हैं, और चरणजीत सिंह चन्नी दोनों ट्रेल कर रहे हैं इस वक्त, और सिर्फ योगी आदित्यनाथ हैं जो इस वक्त लीड कर रहे हैं। हम आपको उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ लीड कर रहे हैं 230 सीटों पर 339 में से, ट्रेंड्स हम आपको दिखा रहे हैं। 230 सीटों पर बीजेपी और उसके अलायंस लीड करते हुए, समाजवादी पार्टी 100 सीट्स पर लीड करते हुए, बीएसपी 5 सीट्स पर लीड करते हुए, और कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर लीड करते हुए। और वो बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, जो 4 सिटिंग सीएम है ये अपने आप में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, योगी आदित्यनाथ लीड कर रहे हैं, उसके अलावा पुष्कर सिंह धामी को लेकर और चरणजीत सिंह चन्नी, खासतौर पर चरणजीत सिंह चन्नी की बात की जाए तो वो दोनों सीटों से ट्रेल कर रहे हैं। अखिलेश यादव जो कि चैलेंजर बता रहे थे खुद को योगी आदित्यनाथ के सामने, वो 10,000 वोटों से लीड कर रहे हैं, करहल से वो चुनावी मैदान में है और लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। अगर अभी उनकी बढ़त की बात की जाए तो 10,000 वोटों से अखिलेश यादव करहल से इस वक्त आगे हैं। राम लगातार हमारे साथ हैं, राम ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आ रही है सिटिंग सीएम्स को लेकर भी, आपके पास और क्या डिटेल्स है? बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप दे रहे हैं। अखिलेश यादव 10,000 वोट से आगे हैं, उनके सामने एसपी सिंह बघेल,
केंद्रीय मंत्री चुनाव में थे लेकिन टक्कर उतनी जोरदार शायद दे नहीं सके। अखिलेश यादव 10,000 वोट से इस वक्त आगे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी 2 सीटों से पंजाब में चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों सीटों से वो पिछड़ गए हैं। और बाकी जो स्टेट है जहां पर चुनाव हो रहा है, खासतौर से खटीमा से भी ये जानकारी मिल रही है कि वहां पर पुष्कर सिंह धामी वो भी थोड़े से पीछे चल रहे हैं। हालांकि बहुत कांटे की लड़ाई खटीमा में बताई जा रही है और कभी भी ये ट्रेंड बदल सकता है। और बार बार हम यही बता रहे हैं कि ये रुझान है, अभी आगे कई राउंड में काउंटिंग होनी है और 19-20 हो सकता है। लेकिन जितना गैप उत्तर प्रदेश में इस वक्त नजर आ रहा है वो 230 और 100 का है, यानी लगभग 130 सीटों का अंतर है और इसे पाटना काफी मुश्किल समाजवादी पार्टी के लिए हो सकता है। ये देखिए पूरी स्थिति आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी प्लस 230, समाजवादी पार्टी गठबंधन 100 सीट पर, बीएसपी 5 पर, कांग्रेस पार्टी 4 पर लीड इस वक्त कर रही है। कुल मिलाकर 339 सीटों का ये रुझान आपको दिखा रहे हैं। इन सबके बीच लगातार बड़ी खबरें भी आपको बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर यह है कि लखनऊ कैंट से ब्रजेश पाठक आगे हैं। उन्होंने अपनी सीट इस बार बदली थी। बीजेपी के ब्रजेश पाठक लगभग 2,000 वोट से इस वक्त आगे चल रहे हैं। ब्रजेश पाठक कानून मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ कैंट से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी सीट से 2,000 वोट से इस वक्त लीड लिए हुए हैं। लगातार वो आगे चल रहे हैं, शुरुआत से ही बढ़त बनाए हुए हैं। लखनऊ कैंट से ब्रजेश पाठक आगे चल रहे हैं। इस वक्त का ताजा अपडेट यह है, बीजेपी के ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री हैं और अपनी सीट से 2,000 वोट से आगे चल रहे हैं। तो अलग अलग सीटों की डिटेल आपको दे रहे हैं कहां पर कौन सा नेता। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की असेंबली से जुड़ी बड़ी खबर, ट्रेंड्स लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ कैंट से जैसे कि मेरे सहयोगी बता रहे थे ब्रजेश पाठक आगे चल रहा है, लेकिन इन ट्रेंड्स को ध्यान से देखें क्योंकि बीजेपी उत्तर प्रदेश के लिए आज से बात की जाए तो मेजोरिटी मार्क क्रॉस कर चुकी है। 230 सीट पर लीड कर रही है आउट ऑफ 339।